क्या करना था? तो मैंने मेरा सेंटर में आदमी का दिमाग खराब हो गया। आदमी मतलब क्या करते हैं यार, कुछ चीजों के लिए इतना पर्टिकुलर है ना आदमी, मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैंने बेटा सेंटर में तो किया था उसको। आदमी का ना दिमाग खराब हो गया। आदमी मतलब क्या करते हैं यार, कुछ चीज़ों के लिए इतना पर्टिकुलर है ना आदमी, मैं क्या बताऊँ आपको। कि जो सेट ऑफ बॉक्स है हमने ना टीवी के ऊपर रखा हुआ है, प्लेट नहीं नीचे लगाई है, उस टीवी के ऊपर ही रख दिया जस्ट। तो आदमी क्या कर रहा होता है कि इसको ना ऐसे रखो, अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं, इसको ऐसे रखो यार, मतलब हद है आप ना थोड़ा, मतलब मुझे भी याद नहीं कि इसको कैसे रखना। मैं तो उसको एडजस्ट करके आती हूँ कि हाँ ये ठीक से होना चाहिए, भाई बैलेंस हो जाए इसके ऊपर। इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, होए भगवान। और अभी पता है इसने कल भी क्या किया, अपने पापा की कीज़ लेकर आया, एंड जो जहाँ पर मेरा जहाँ मैं कीज़ अभी रखती हूँ ना, तो एक पे मैंने लगाया नो मम्मा नो, नो मम्मा नो, मतलब रोना शुरू कर दिया यार। फिर मैंने एरोप्लेन जा रहा है, फिर मैंने दूसरी साइड लगा, सेंटर में लगा दिया उसको, मुझे लगा यहाँ लगाना होगा, नो मम्मा नो नो नो। मैं बोला यार इसको हो क्या रहा है, फिर बोलता दिस साइड, मतलब मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा था, मुझे लगा डुगू रो रहा है। फिर ना साइड वाले में बोला कि मम्मा इस पे लगाना है, फिर बोलता ओके मम्मा गुड। कुछ चीज़ों के लिए बहुत 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 ज़्यादा पर्टिकुलर है। हे गाइस गुड इवनिंग, और आज थोड़ा आपको चेंज लग रहा होगा, मैंने सारे बाल एक तरफ को किए, क्योंकि ये बताती हूँ मैं ना भी सोई हुई थी थोड़ी देर पहले, और जब मैं सो के उठी तो मुझे ना ऐसा लगा जैसे कि मेरे ना जो रूट्स है ना हेयर की, वो सारी कैसी हैं, वो ना होती ना जैसे वाइटिश सी हो चुकी है। एक्चुअली मुझे सपने में दिखा था ये चीज़ कि मेरे जो रूट्स हैं वो वाइट हैं। तो मुझे सच में ऐसा लगा कि जैसे होता नहीं कई बार कि सपने में आपको लगता है कि सच है हर चीज़। मैं जैसे ही उठी ना, मेरा सबसे पहला काम था, उठते मैंने पहले तो लाइट ऑन करी, क्योंकि रूम में हल्का सा अंधेरा था तो नहीं पता लगता ना, तो मैंने लाइट ऑन करी। उसको पहले फटाफट मैंने बाल चेक किए, यार मेरे बाल के सच में इस साइड से ऐसे हो गए हैं या इस साइड से ऐसे हो गए हैं। तो नाउ आई एम रिलीव्ड कि नहीं नहीं सपना था। तो वैसे तो कुछ नहीं होता यार, वाइट हेयर हो या कुछ भी हो वो कोई बात नहीं, हो अपने ही होते हैं, बट मेरे अभी तक इतने आए नहीं थे ना, तो मुझे अब ज़्यादा आने लग गए हैं। ज़्यादा गया मतलब यार हाँ 3-4-5-6 शायद है ही सिर में, शायद इससे ज़्यादा भी होंगे। दिखते थोड़ी ना आगे के बाल खुद को, आगे के तो सॉरी दिख जाते हैं, ये वाले बाल थोड़ी ना दिखते हैं अपने आप खुद को कि कितने हैं कितने नहीं हैं। तो चलो ये डर तो मेरा हट गया जैसे ही मैं सो के उठी कि नहीं है। और अभी मैंने कुछ भी शाम के लिए प्लानिंग नहीं करी कि क्या बनाना है। मे बी अभी बाहर जाऊँगी जिन्हों के साथ, एंड देन कुछ सब्जी वगैरह लेकर आती हूँ, और उसके बाद बनाएंगे कुछ। हाथ मैं कर लिया मम्मा को करो खींची डुगो ऐसे नकते टांग, पहले तो हटा। आगने में ना आजकल भूत ही आ गया, कुछ इसको बोलो ना तो ये कुछ ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी। देखना भाई कर्फ्यू लगे यार, 7 बजे से तो नहीं है, मुझे गेट आउट है। वी आर रेडी टू गो। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं गाड़ी से उतर रही थी ना, तो आगने ने क्या किया, आगने की हैबिट है जब भी मैं गाड़ी से उतरना शुरू होती हूँ तो इसको लगता है पता नहीं क्या क्या शॉपिंग, इसको इतनी ज़्यादा पसंद है ना, चाहे सब्जियों की शॉपिंग करो, इसको होता है कि बाहर निकल गया तो मैं अपनी भी कोई चीज़ तो लेकर ही आऊँगा। बिल्कुल ऐसा रहता है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि यार कोविड का टाइम अब मतलब इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा है और मार्केट्स भी भरी भरी हैं बिल्कुल, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये ना जाए साथ में, बट मानता ही नहीं है। और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि अंदर बैठ जाए, बट अब पता नहीं कैसे खुद ही जाना बंद करना पड़ेगा तो ही नहीं जाएंगे, अदरवाइज़ तो ये मतलब अकेला बच्चा है, हम कहीं भी जाएंगे तो घर पे छोड़ कर तो नहीं जा सकते हैं, तो ये थोड़ा बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं काफ़ी सारा सब्जी वगैरह मतलब एक ही बारी में ले आऊँ, ताकि आगे मतलब ऐसे डेली जाने वाली बात ना हो एटलीस्ट मार्केट्स, क्योंकि जो मार्केट आगे नो उसमें सामान है बेटा, टूट जाएगा, उसमें एग्ज़ हैं टूट जाएंगे, खुद सामान दूंगी। देखो उसने क्या क्या वहाँ फेंक दिया उठा के, मैं खुद दूंगी आपको सामान। जिस साइड में बैठी हूँ ना, इस साइड ना लाइट बहुत कम होती है, आप देख सकते हो डिम लाइट है बिल्कुल। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ मुझे अरेंज करना पड़ेगा इस साइड के लिए, इसलिए नहीं कि मुझे वीडियो के टाइम के लिए, बट ऐसे भी थोड़ा इस तरफ को ना अंधेरा फील होता है मुझे,
और मुझे अंधेरा ना, मतलब लाइट्स मुझे घर में ठीक ही चाहिए होती हैं। कुछ टाइम तो ठीक लगता है, हाँ डिम डिम लाइट्स हैं, बट कई बार होता है ना कि ओकेज़न ऐसा हो या क्या क्या, आपको लाइट्स अच्छी लगनी चाहिए कि मतलब ठीक अच्छा वो एटमोसफियर बने जिससे, ऐसे तो फिर डिम लाइट में डिप्रेस्ड मूड। देखो भाई लोगों, गर्मी के आने का पता इससे भी लग रहा है क्योंकि छिपकलियाँ अंदर आने लग गई हैं। और ये देखो पहले छिपकली जो कि मैंने देखी अपने घर के अंदर। और मैंने आकर ना ऑमलेट बनाई है चीनों के लिए, और ये इसलिए क्योंकि हम जब आए ना उसके बाद सबसे जल्दी यही चीज़ बन सकती थी, इसलिए ऑमलेट एंड ऑमलेट का ब्रेड। और ब्रेड बना ना कुछ और टाइप में इनको बना के दूँगी, स्पेशली ऐसे ही नहीं दे दूँगी, थोड़ी सी बेलन के साथ अच्छे से करके हल्की सी ऑयलिंग करके फिर मैं ब्रेड दूँगी। ऑमलेट के साथ ना मैं इनको ब्रेड दूँगी, लेकिन ब्रेड ऐसे ही नहीं, ब्रेड को एक अलग तरीके से थोड़ा सा ना बेलन के साथ चपाती की तरह करके एंड फिर उसको हल्का सा फ्राई करके, मैं ऐसे बताती हूँ उस तरीके से ब्रेड को जब हम ऑन से खाते हैं ना बहुत टेस्टी लगता है। चीनू के लिए बनाया है मैंने ब्रेड ऑमलेट, और जो ब्रेड है ना ब्रेड को बिल्कुल पहले उसे बेलन से किया है बिल्कुल प्रेस, उसके बाद ताकि इनको रोटी वाला लुक आए। हम लोगों ने डिनर कर लिया और अब हम थोड़ी सी वॉक करेंगे शायद थोड़ी देर में जाके, अभी तो खैर नहीं, हो सकता है करें हो सकता है नहीं करें, एंड उसके बाद आकर सोने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें ना हैबिट नहीं पड़ रही है जल्दी सोने की, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी सो जाएं। तो बस अब आपको अलविदा करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।